adjectives. You have already studied about adjective, okay? An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun or which describes a noun or a pronoun, okay? You have already studied before this video lecture, okay? So, now we are going to study about comparison of adjectives. Did you know about comparison? Comparison matlab kya hota hai? What do you mean by comparison? Compare, aap log compare ek word suno na. Usse se ye comparison bana hai. Iska matlab hota hai tulna karna. Theek hai? Ab wo tulna chahe do चीजों या दो इंसानों के बीच में की जाए या फिर दो से अधिक इंसानों के बीच में की जाए, ठीक है? जैसे आप कभी भी अपने क्लास में बैठे हो और आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें आपका कोई एक बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, तो आपके टीचर्स उस एक इंटेलिजेंट बच्चे की जो कंपैरिजन है उस पूरे क्लास से करते हैं और कहते हैं शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कि वो तो इंटेलिजेंट है, लेकिन जब पूरे क्लास से उसकी तुलना की गई तो उसमें लगा दिया गया मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है? इसके अलावा मान लो कि अब कोई आपकी क्लास में दो बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है, और टीचर उस दोनों में कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है? तो दोनों जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर, यानी कि वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे वो मोस्ट था यहाँ पे ये अब मोर से रिप्लेस हो गया। तो आप देखो ना किस तरह से जब तुलना हुई तो तुलना करते वक्त भी एडजेक्टिव्स में कुछ बदलाव आया। जब हम लोग बहुत सारे लोगों से कंपैरिजन किए उस बच्चे की तो हम लोगों ने वहां पे मोस्ट लगाया, लेकिन जब दो लोगों में कंपैरिजन किया तो वहां पे मोर यूज किया। उसी तरह आप आगे पढ़ोगे कि मान लो कि दो बच्चा है, ठीक है, दोनों ही क्लास में लंबे हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई कौन लंबा है, तो मैंने बोल दिया ही इज टॉलर देन हिम, वो उससे ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ टॉल में ईयर लगा है, लेकिन जो सबसे बड़ा है पूरे क्लास से कंपैरिजन किए तो कहे कि इज द टॉलेस्ट वन, वो सबसे बड़ा है, तो स्टॉल में आप ईएसटी लगा दिए। तो अब देखिए इससे पहले मोर और मोस्ट लगा के हम लोग वहां पे कंपैरिजन जो एग्जेक्टिव वर्ड्स था उसमें मोर और मोस्ट लगा के कंपैरिजन किए थे, और यहाँ पे जो एग्जेक्टिव है उसमें ईआर और ईएसटी लगा के कंपैरिजन किया, ठीक है? तो अभी बस ये एग्जांपल्स था, अब हम लोग जानेंगे कि कब ईआर लगता है, कब ईएसटी लगाते हैं और ये कौन सी डिग्रीज होती है कंपैरिजन की, ठीक है? इतना तो समझ गया कि कंपैरिजन कहते हैं किसको है, कंपैरिजन हम लोग कहते हैं तुलना करने को, ठीक है? कैन एन एडजेक्टिव हैज थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एक एडजेक्टिव में तीन डिग्रीज होती है कंपैरिजन के लिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? अभी मैं आपको और अच्छे से वन बाय वन इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव डिग्री, व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, द एडजेक्टिव इज इन पॉजिटिव डिग्री। जब कोई कंपैरिजन नहीं करते, कोई तुलना नहीं करते, बस जो ऑब्जेक्ट जैसा है उसको वैसे ही हम लोग बता देते हैं, जैसे द टेबल इज बिग, द पेन इज रेड, ये हम लोग साफ मतलब जो ऑब्जेक्ट जैसा है उसको वैसे ही बताए, उसका किसी के साथ तुलना नहीं करता, तब वो जो ऑब्जेक्टिव होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव डिग्री में। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि जैसे बिग लिखा है, ठीक है, मैंने लिखा द टेबल इज बिग सेंटेंस के थ्रू बोल, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है कि वेयर वी कंपेयर टू पर्संस और थिंग्स, जब दो चीजों या दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं तब जो एग्जेक्टिव की डिग्री होती है वो कौन सी डिग्री में होती है, वो कंपैरेटिव डिग्री में होती है। जैसे अभी मैंने कहा बिग, तो बिग क्या था, पॉजिटिव था, जो जैसा था वैसे बताया, लेकिन जब दो टेबल रखा और देखा कि एक टेबल बड़ा है एक टेबल छोटा है, तो मैंने बताया कि दिस टेबल इज बिगर देन दैट, वो टेबल उससे क्या है, बड़ा है, तो दो के बीच में जो बड़ा है उसके लिए हम लोग बिगर का यूज किया,
यानी इस बिग में हम लोग क्या ऐड कर दिए, ईआर ऐड कर दिए, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हुआ। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, तो वेयर वी कंपेयर मोर देन टू पर्संस और थिंग्स, द एडजेक्टिव इज इन द सुपरलेटिव डिग्री। यानी जब हम लोग दो या दो से अधिक पर्संस, सॉरी, जब हम लोग दो से अधिक पर्संस के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तब जो एडजेक्टिव होता है वो सुपरलेटिव डिग्री में होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक टेबल रखा और उस टेबल के साथ बहुत सारे टेबल, और उसमें जो सबसे बड़ा टेबल है, मैंने उसको कहा कि दिस टेबल इज द बिगेस्ट वन, ये टेबल सबसे बड़ा है, तो उस एक टेबल का कंपैरिजन बाकी सारे टेबल से किया गया, तो वो क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री। और इस सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग क्या ऐड करते हैं, ईएसटी ऐड करते हैं। इससे पहले आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री में क्या था, बिग था, कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग उसमें ईआर ऐड किए तो बिगर बना, और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी ऐड किए तो ये क्या बन गया, बिगेस्ट हो गया। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता सकती हूँ, जैसे ये गॉड है, अब इसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, ये सिर्फ गॉड के बारे में बताया, तो मैंने कहा गॉड इज भी, लेकिन जब इस गॉड का इस हॉर्स के साथ कंपैरिजन की, तो हॉर्स क्या इस गॉड से बड़ा है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना है, तो देखिए मैंने यहाँ बिगर पे लिख दिया, यानी द हॉर्स इज बिगर देन द गॉड, इस गॉड से हॉर्स क्या है, बड़ा है, तो ये बिगर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में, और यहाँ पे इस एलिफेंट का इस दोनों के साथ कंपैरिजन करना है। ठीक है, यानी इन सब में एलिफेंट क्या है, सबसे बड़ा है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री हुआ, यानी द एलिफेंट इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, तो वहां बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुआ। तो देखिए ये पॉजिटिव, दिस इज कंपैरेटिव एंड दिस इज सुपरलेटिव, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। ओके, तो आप इसे समझ गए होंगे कि पॉजिटिव डिग्री किसको कहते हैं, कंपैरेटिव किसको कहते हैं, और सुपरलेटिव किसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ एडजेक्टिव्स के आपके पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बता रही हूँ। ये आपका नॉर्मल एडजेक्टिव है जो कि हम लोग यूज करते हैं, उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे होता है। तो देखो कुछ एडजेक्टिव्स में अगर उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलना, तो उसमें हम लोग ईआर ऐड करते हैं और सुपरलेटिव के लिए ईएसटी ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कोल्ड है तो कोल्डर ईआर ऐड किए, कोल्डेस्ट ईएसटी ऐड किए सुपरलेटिव में, स्मॉल है तो स्मॉलर, स्मॉलेस्ट ऐड किए, एबल है तो एबलर, एबलेस्ट ऐड किए। अब देखो इसमें लास्ट में ऑलरेडी ई था, ठीक है, तो आप चाहोगे यहाँ पे डबल ई ऐड कर दो तो नहीं, ऑलरेडी ई है तो सिर्फ आर ऐड करो और सिर्फ एस टी ऐड करो, यहाँ डबल ई नहीं कर दोगे कि ऑलरेडी ई है तो यहाँ पे एक और ई करके ई आर ऐड कर दोगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, आप सिर्फ एक आर और वहां पे एस टी ऐड करोगे। ओके, अब देखो ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में वाई आता है, जैसे यहाँ बीजी है तो लास्ट में क्या है, वाई है, तो अगर इसको कंपैरेटिव में ऐड चेंज करना है तो उसमें ई आर ऐड करना है, तो आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे बी यू एस वाई ई आर कर दूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, नहीं। ठीक है, आपको अगर उसमें ई आर ऐड करना है तो इस वाई को हटाकर आई में बदल देना है और तब ई आर ऐड करना है, तो ये बी सी एल हो जाएगा, और फिर उस वाई को हटाकर आई ऐड करना है तब ई एस टी ऐड करना है, तो बी जी एस हो जाएगा। उसी तरह आप इजी देख सकते हो, ठीक है, इजी, तो इसको हम लोग इजियर वाई हटाकर आई और फिर यहाँ पे इजीएस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका इजी, इजियर, इजीएस्ट, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, उसी तरह हॉट, ठीक है, आप देख रहे हैं बिग जो मैंने लिखा था, यानी बिग, तो उसमें जब ईआर लगाया था तो जी को डबल कर दिया था, और जब ईएसटी ऐड किया था तो उसमें भी जी को डबल कर दिया था। उसी तरह यहाँ हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट है, ठीक है, तो यहाँ देखो टी है ना, टी से पहले यहाँ वोवेल, उसी तरह यहाँ जी का जी से पहले यहाँ वोवेल था, इसीलिए जब ये पहले वोवेल होता है तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वर्ड में अगर लास्ट जो वर्ड है उससे पहले अगर वोवेल होता है तो उस लास्ट वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, उसको डबल कर देते और तब ई आर और ई एस टी ऐड करते, जैसे हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट हो गया। ओके,
इंटेलिजेंट का यूज किया था इंटेलिजेंट के लिए, ना कि इंटेलिजेंटर जो इंटेलिजेंटेस्ट यूज किया था, वो रॉन्ग हो जाता। उसी तरह कुछ वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग ईआर और ईएसटी नहीं ऐड करते, बल्कि उसमें हम लोग मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट है, डिफिकल्टेस्ट नहीं लिखेंगे हम लोग, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट लिखेंगे। ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलिस्ट नहीं लिखेंगे, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल लिखेंगे। उसी तरह इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। यूजफुल है तो मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें मोर और मोस्ट का यूज होता है। आपके बुक में भी अवेलेबल है, आप उसको पढ़ो, अपने बुक को, तो आपको मिलेगा कि कौन कौन से वर्ड्स है जिसमें हम लोग मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल ही अलग होता है, ना उसमें ईआर और ना ईएसटी लगता है, ना मोर और मोस्ट लगता है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तो वो आपको अपने बुक से देख के आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके कौन से एडजेक्टिव्स हैं जिनका कंप्लीटली कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे लिटिल, तो लिटिल का आप ये नहीं लिख सकते हो कि लिटिलर लिटिलेस्ट, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें लिटिल का लेस और लिस्ट सुपरलेटिव और लेस कंपैरेटिव होता है। गुड का बेटर बेस्ट, बैड का वर्स वर्स्ट, उसी तरह लेट का लेटर लेटेस्ट। ठीक है, तो ये सब आपके बुक में भी दिया है, आप अपने बुक को ओपन कीजिए और उनको पढ़िए कि किस वर्ड्स में ईआर और ईएसटी का ऐड किया हुआ है, किस में मोर और मोस्ट का ऐड किया, और कौन सा वर्ड है जिसमें कंप्लीटली पूरी तरह से उनका जो है बिल्कुल अलग ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है। स्टूडेंट्स, चलिए इस पे मैं कुछ आपको एक क्वेश्चंस बताती हूँ जो कि आपको ये कंफ्यूजन क्लियर करेगा कि कहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कंपैरेटिव का यूज करना है, कहाँ सुपरलेटिव का यूज करना है, और कहाँ पे नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री का यूज करना। जैसे अ डॉग डस दैट देन अ पपी, ठीक है, एक डॉग जो है एक पपी से कैसे दौड़ता है, तो यहाँ पे देन का यूज हुआ। और तुम खुद आप खुद देख सकते हो कि डॉग और पपी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ, तो जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज होता है, तो ईआर यूज होता है, तो फास्टर हो जाएगा। एक और बात कि कंपैरेटिव डिग्री के हमेशा बाद यानी देन का यूज होता है। ठीक है, देन आ जाए तो उसके पहले सोच लेना वो कंपैरेटिव डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर भी देन है तो यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे। अब यहाँ देखो, दिस इज अ डैश ट्री। अब यह ट्री के बारे में बता रहे, इसमें कोई कंपैरिजन ना नहीं हुआ है, ना उस ट्री का किसी एक के साथ, ना ही बहुत सारों के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ ट्री के क्वालिटी का लिखना है, यानी पॉजिटिव डिग्री में है तो दिस इज अ टॉल ट्री। हरि इज अ डैश बॉय इन द क्लास। देखो, हरि पूरे क्लास में यानी उस हरि का पूरे क्लास के बच्चों से कंपैरिजन हुआ। तो अब यहाँ पे ना पॉजिटिव होगा ना ही कंपैरेटिव होगा, अब ये सीधा सुपरलेटिव डिग्री में चला जाता है। तो यहाँ पे हरि सुपरलेटिव है तो यहाँ टॉलेस्ट का यूज होगा, टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। एक और चीज देखना आपको कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से जो पहले है वो द का यूज होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज होता है। ठीक है, इससे आप पहचान सकते हो कि कहाँ पे आपको सुपरलेटिव और कहाँ पे आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। तो इस तरह से और भी आपके क्वेश्चंस बुक में दिए होंगे जो कि आपको सॉल्व, जो कि आपको कंप्लीट करना, आपको खुद से बुक वर्क बनाना है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। सो यू हैव टू डू योर बुक वर्क बाय योरसेल्फ एंड आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर्स। एंड फॉर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।